डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीपीजी आयलेंस के बारे में। तो ये किस तरह से डीएनए मिथिलेशन से हमें बचाने का काम करते हैं। तो सीपीजी आयलेंस, या हम इनको सीजी साइट्स भी कहते हैं, ये वो हिस्से हैं डीएनए के जहाँ पे कि साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड के बाद में आता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, जो कि एक रेखा में आता है, पाँचवें सिरे से तीसरे सिरे में आएगा। सी मीन्स योर साइटोसिन, पी इज फॉस्फेट, एन जी इज़ योर ग्वानिन। तो ये सीपीजी साइट जहाँ पे होती हैं, अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी में होती हैं, एक साथ बहुत सारी होती हैं, तो वो हिस्से जीनोम के कहलाते हैं सीपीजी आइलैंड्स। साइटोसिन जो होती है इन सीपीजी आइलैंड्स, उसका जो मिथाइलेशन होता है वो 5-मिथाइल साइटोसिन में हो जाता है, अगर सीपीजी डाई न्यूक्लियोटाइड अगर प्रेजेंट है तब। ऐसे एंजाइम्स जो ऐड करते हैं मिथाइल ग्रुप को डीएनए में, उनको हम कहते हैं डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेजेस। अगर हम मैमेलियन सेल्स की बात करें तो 80% तक सीपीजी साइटोसिन हमें मिथाइलेटेड फॉर्म में मिलती हैं। मिथाइलेटिंग जब होता है, मिथाइलेशन जब होता है साइटोसिन का, तो उसमें चेंज हो जाता है जीन का एक्सप्रेशन। तो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसी फील्ड है साइंस की जिसको हम स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं जीन के रेगुलेशन को। तो जब हम जीन के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को स्टडी करते हैं तो उस अध्ययन को हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। क्या मुख्य फीचर्स होते हैं इन सीपीजी आइलैंड्स के, या सीजी आइलैंड्स हम इनको कहते हैं। ये वो हिस्से हैं जिनमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है सीपीजी साइट्स की। तो ये जो सीपीजी आइलैंड्स जो होते हैं, वो हम उन्हें कह सकते हैं कि कम से कम 200 बेस पेयर्स एक तरह से सीपीजी चेन होनी चाहिए, जिसमें कि सी और जी का परसेंटेज 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हम देखें ऑब्जर्व टू एक्सपेक्टेड रेशियो सीपीजी का, तो वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जी सी परसेंटेज आपके 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, और एटलीस्ट ये सीपीजी एक साथ 200 बेस पेयर्स में होने चाहिए, और उनका ऑब्जर्व टू एक्सपेक्टेड जो रेशियो है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम मैमेलियन जीनोम्स की बात करें तो जो सीपीजी जो आइलैंड्स हैं वो टिपिकली 300 से 3000 बेस पेयर्स इन लेंथ होते हैं, और वो 40% तक पाए गए हैं प्रमोटर हिस्से के जो मैमेलियन जीन्स में होता है। तो वो प्रॉक्सिमिटी दिखाते हैं प्रमोटर सीक्वेंसेस के साथ में। अगर हम ह्यूमन जीन्स की बात करें तो 60% जो हैं उनमें से हाउसकीपिंग जो जीन्स हैं उनमें हमने देखा है कि जो प्रमोटर्स होते हैं उनके अंदर सीपीजी आइलैंड्स इमर्स्ड होते हैं। तो 60% ह्यूमन जीन्स में ये प्रमोटर्स के साथ में जुड़े हुए पाए जाते हैं सीपीजी आइलैंड्स। जैसा कि हम यहाँ पे इस डायग्राम से देख सकते हैं कि कैसे एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म डेवलप हुआ है सीपीजी आइलैंड फॉर्मेशन का। पहले हमारा एक परिकाल्पनिक एंसेस्ट्रल जीनोम है, फिर वहाँ पे सीपीजी कुछ साइट्स प्रेजेंट थी साइटोसिन फॉस्फेट ग्वानिन की, उनके जो साइटोसिन था उसका मिथाइलेशन हो गया, तो मिथाइलेटेड सीपीजी साइट्स होगी, जैसा कि हम इसको इस येलो कलर में देख सकते हैं। तो ये मिथाइलेटेड सीपीजी साइट्स हैं। ये आके कहाँ जुड़ गई, एंसेस्ट्रल जीनोम के साथ में आके जुड़ गई, और ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं सीपीजी साइट्स। तो उन सीपीजी साइट्स में साइटोसिन का क्या हो गया, मिथाइलेशन हो गया, तो वो मिथाइलेटेड सीपीजी साइट्स बन गई। धीरे धीरे ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, जिसको हम कहते हैं एक तरह का एक एवोल्यूशनरी टाइम स्केल, तो एवोल्यूशनरी टाइम स्केल से एंसेस्ट्रल जो जीनोम था जिसमें खाली सीपीजी साइट्स थी, धीरे धीरे जिनमें कि मिथाइलेशन हो गया, अब वो मॉडर्न जीनोम में कन्वर्ट हो गए। तो मॉडर्न जीनोम में हमने ये देखा कि मिथाइलेटेड साइट्स बहुत कम हो गई, और ये सीपीजी आइलैंड्स, इनका जो झुंड है वो एक साथ सीपीजी साइट जो पहले बिखरी हुई थी एंसेस्ट्रल जीनोम में, वो अब एक साथ निकट आ गई, 200 से 500 बेस पेयर तक ये निकट आ गई हैं। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म है जो इसके फॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें सीपीजी आइलैंड्स की, तो ये सीपीजी डाई न्यूक्लियोटाइड कॉन्टेंट 60% तक होना चाहिए, इसको हम 4-6% तक एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। सीपीजी की फ्रीक्वेंसी जो होती है
वो लोअर होती है अगर हम उसकी तुलना जीनोम के पूरे साइज से करें, तो इसको हम कहते हैं कि सीपीजी की फ्रीक्वेंसी जब अपना जो किसी भी सेल का जो पूरा जीनोम होता है उससे कम होती है, लेस देन 1%, तो उसको हम कहते हैं सीजी सप्रेशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसी है, कम है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसे हम सीजी सप्रेशन करेंगे। सीपीजी साइट्स जो होती हैं, जो कोडिंग रीजन होता है जीन का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सीपीजी साइट्स हैं सीपीजी आइलैंड्स में, वो एसोसिएटेड हैं प्रमोटर्स के साथ में, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, मिथाइलेशन नहीं होगा। सीपीजी जो आइलैंड्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पास में पाए जाते हैं, इसीलिए वो हाउसकीपिंग जीन्स का काम करते हैं वर्टिब्रेट्स में। हाउसकीपिंग मतलब नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी सेल की, वो उसके साथ में जुड़ी हुई पाई जाती हैं। क्या मैकेनिज्म होता है सीपीजी आइलैंड्स का? साइटोसिन बेस जो होता है उसके बाद में ग्वानिन बेस आ रहा है। अगर हम इसको देखें तो सीपीजी जो है वो बहुत ही रेयर होता है वर्टिब्रेट डीएनए में, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम देखें तो सी जैसे ही प्रेजेंट होगा तो उसका मिथाइलेशन हो जाएगा। अरेंजमेंट जैसे ही दो आ जाएंगे आपके सी जी, तो एक कंडीशन होती है कि तुरंत ही वो उनका मिथाइलेशन हो जाता है। इस मिथाइलेशन प्रोसेस की वजह से, क्योंकि साइटोसिन के साथ में मिथाइल समूह आके जुड़ गया, तो उसे हम मिथाइलेशन कहेंगे। इस मिथाइलेशन की वजह से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि नया सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड कौन सा बना है पेरेंटल स्ट्रैंड से, जिससे कि हम फाइनल स्टेजेस जो होती हैं डीएनए प्रूफ रीडिंग की, डुप्लीकेशन के बाद में, जैसे डीएनए है रेप्लिकेशन करेगा फिर उसका डुप्लीकेशन होगा, तो हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कुछ समय में पाया गया कि जो मिथाइलेटेड जो साइटोसिन होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं इनटू थाइमीन्स, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन। मतलब पहले आपके था साइटोसिन, जैसे ही मिथाइल समूह आके जुड़ा मिथाइलेटेड साइटोसिन बन गया, उसके बाद में उसमें स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन हुआ, अमीनो जो ग्रुप है वो उससे रिलीज हो गया और वो थाइमीन में रूपांतरित हो गया। एक स्पेशल एंजाइम होता है ह्यूमंस में जिसको हम कहते हैं थाइमीन डीएनए ग्लाइकोसाइलेज या TDG, थाइमीन डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, जो स्पेसिफिकली रिप्लेस करता है थाइमीन को फ्रॉम TG मिसमैचेस। तो ये एंजाइम है जो कि रिप्लेस करेगा टीज, जो कि TG मिसमैचेस में है। ह्यूमन बीइंग्स में 70% जो प्रमोटर्स हैं उनकी लोकेशन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पास में होती है, जिसमें कि सीपीजी आइलैंड प्रेजेंट होता है। दूर जो होती हैं प्रमोटर से, जो डिस्टल जो प्रमोटर एलिमेंट्स होते हैं उनमें सीपीजी आइलैंड प्रेजेंट होता है। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है डीएनए रिपेयर जीन का ERCC1 का, जहाँ पे कि जो सीपीजी जो आइलैंड्स हैं उसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है विच इज़ लोकेटेड अबाउट 5400 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से, जहाँ पे कि ERCC1 जीन प्रेजेंट है। ये जो सीपीजी जो आइलैंड्स हैं वो फ्रीक्वेंटली अकर करते हैं प्रमोटर्स के साथ में, फंक्शनल नॉन कोडिंग आरएनएज के साथ में भी, जैसे कि होते हैं माइक्रो आरएनएज, और डीएनए के अलावा ये आरएनए के साथ में भी एसोसिएटेड पाए गए हैं सीपीजी आइलैंड्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नॉर्मल जो साइटोसिन प्रेजेंट होता है, तो सीपीजी जब प्रेजेंट होते हैं तो नॉर्मल टेंडेंसी होती है साइटोसिन की टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ 5-मिथाइल साइटोसिन, अर्थात मिथाइलेशन हो गया। एरोमेटिक जो रिंग है साइटोसिन की उसमें मिथाइल समूह आके जुड़ गया, तो 5वें कार्बन पर आके जुड़ा है तो 5-मिथाइल साइटोसिन बन गया। अब यहाँ पर एमिनो ग्रुप रिलीज हो जाएगा, एमिनो ग्रुप रिलीज होते ही डीएमिनेशन हो गया, उसकी जगह कार्बोक्सी ग्रुप आ जाएगा, कार्बोक्सी ग्रुप आते ही वो रूपांतरित हो गया थाइमीन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मिथाइलेशन होता है सीपीजी साइट्स की, जिसके बाद में होता है स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सीपीजी साइट्स इन मिथाइलेटेड डीएनए। अब यहाँ पे रेसिड्यूअल जो सीपीजी आइलैंड्स हैं वो क्रिएटेड हैं एरियाज़ में जहाँ पे कि मिथाइलेशन प्रोसेस नहीं होगा, तो सीपीजी जो साइट्स होती हैं वो स्टिक करती हैं जहाँ पे C2T म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पे सीपीजी आइलैंड्स में C2T म्यूटेशन नहीं होगा, अर्थात वो मिथाइलेशन से अपने आप को बचा के रखती हैं। तो इस तरह से
हमने देखा कि सीपीजी आइलैंड्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.